नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि जब तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सीए और एनआरसी जैसे संविधान विरोधी कानून लागू नहीं होने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून में क्या लिखा है यह असल बात यह नहीं है, बल्कि जो नहीं लिखा है वह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 40 साल संसद में रहे लेकिन इस तरह के कानून नहीं देखे। मुख्यमंत्री के बयान और कांग्रेस की पदयात्रा और शांति मार्च को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन में शामिल होकर संविधान का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले कमलनाथ ने जो शपथ ली थी उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। यही स्थिति मंत्रियों की है, इसलिए मुख्यमंत्री और उनके मंत्री पद पर रहने लायक नहीं रह गए। वहीं चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ, अशोक गहलोत और ममता बनर्जी पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़े, उसके बाद केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के विरोध में मार्च निकाले। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और वामपंथी मिलकर देश में अराजकता फैला रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने संविधान बचाओ के नारे के साथ रंगमहल चौराहे से मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा तक शांति मार्च निकाला। इसमें हजारों कार्यकर्ताओं के अलावा 22 मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल नहीं हो पाए। प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे किए गए। कृषि मंत्री सचिन यादव ने इसे 10,000 बताया तो विधायक कांतिलाल भूरिया ने कहा कि 25,000 लोग शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गोविंदपुरा स्थित सेंट जॉन्स चर्च के क्रिसमस कार्यक्रम में भाग लिया और कहा कि हम प्रभु यीशु के मार्ग को अपनाएं और जाति, धर्म, भाषा और सीमाओं की विवादों को खत्म कर विकास की दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि मेलजोल की संस्कृति देश को और पूरी दुनिया को एक रखने के लिए जरूरी है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि अतिथि विद्वानों को नहीं हटाया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक भी अतिथि विद्वान की नौकरी नहीं जाएगी, इसके लिए प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, योग्यता के आधार पर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। पचमढ़ी उत्सव का शुभारंभ करने के मौके पर पचमढ़ी में बोलते हुए जनसंपर्क और जिले के प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड भोपाल या इंदौर में होगा। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पचमढ़ी आने वाले टूरिस्ट स्थानीय लोगों के घर रुक सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष पचमढ़ी उत्सव मध्य प्रदेश के संस्कृति कैलेंडर और सांस्कृतिक विभाग में कैलेंडर पर आ जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में धरने पर बैठी दो छात्राओं से जब भोपाल सांसद प्रज्ञा भारती मिलने पहुंची तो एनएसयूआई ने हंगामा कर गो बैक के नारे लगाए। इन छात्राओं को उपस्थिति कम होने के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। हालांकि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने दोनों छात्राओं का प्रवेश बहाल कर दिया है। उत्तर भारत से आ रही शीतलहर के कारण भोपाल में क्रिसमस का दिन 4 साल का सबसे ठंडा रहा। उधर गुना नौगांव में कोल्ड डे घोषित किया गया। ग्वालियर में सीवियर कोल्ड डे रहा। 26 शहरों और कस्बों में बारिश के कारण ठिठुरन बढ़ गई। राष्ट्रीय स्तर पर राजधानी दिल्ली में 1997 के बाद इस साल सबसे ज्यादा 10 दिन सबसे ठंडे रहे। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।